देखिए आप जिस तरह से जान रहे हैं कि उस ज़मीन का नेचर बकास भुइयारी मुंडई ज़मीन है, ठीक है, और वो एक समाज की ज़मीन होती है, और वो जो चंदन पाहन जो अपने आप को वंशावली दिखा रहा है वो गलत वंशावली है। उसको बहुत जल्द हम लोग 420 केस करके उसको हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे, और जो भी उसके पीछे दलाल और जो बिल्डर किस्म के जो लोग हैं, जो लोग उस ज़मीन में इन्वेस्ट किए हुए हैं, आप देख रहे होंगे कि पूरा प्रशासन की मिली भगत से उस जगह को फिर चार दिवाली किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि लाख कोशिश कर ले वही होगा जो उस ज़मीन का नेचर है, और उस ज़मीन का नेचर कभी चेंज नहीं हो सकता है। आप देखे होंगे कि बकास भुइयारी मुंडई ज़मीन है, जो कि कहीं भी किसी भी एंगल से उस पर ना कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, ना दान दिया जा सकता है, ना ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ना ही उसी पर किसी पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया जा सकता है। आपको स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी उसको उस ज़मीन को लेगा वो बुरी तरीक़ा से फंसेगा, और उसके ऊपर भी हम लोग FIR करेंगे, और पूरे समाज के लोग इस पर गड़ी नज़र रखे हुए हैं और आंदोलन करने का सब लोग बाध्य है, और आने वाले दिन में इसी प्लॉट इसी ज़मीन को लेकर के हम लोग सड़क पर उग्र आंदोलन करने वाले हैं। वो लोग फिर से बाउंड्री कर रहे हैं, इस पर क्या आप बोलोगे? देखिए ये तो प्रशासन की मिली भगत है, जब प्रशासन को जब आवेदन दे दिया गया और जब प्रशासन जान दिया कि उस जगह पे अभी 144 या 107 लगा देना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने अपनी तरफ से पहल नहीं किया, क्योंकि प्रशासन के कुछ लोग ऐसे मिले हुए हैं बिल्डर और दलालों से जो मोटा रकम खा के साइलेंट बैठे हुए हैं, उनके मुँह से बकार नहीं निकल रहा है, ना ही कागज कलम में उनका हाथ चल रहा है। और मैं स्पष्ट रूप से आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो चंदन पाहन है वो गलत तरीका से वंशावली बना के उस ज़मीन में घुसा है, और वो उसका परिणाम उसको मिलेगा, और 420 केस उसका लगेगा धारा, और वो जेल जाएंगे इस मामला में। चंदन पाहन भी अपने आप को किसी चीज़ का अध्यक्ष बता रहे हैं, तो क्या उसी के पीछे वो दलाली कर रहे हैं क्या? उनसे पूछिएगा कि उनका घर कैसे चलता है। वो जिस समिति कमेटी के नाम ले रहे हैं उनका काम है सिर्फ और सिर्फ चंदा करना, लोगों को गुमराह करते हैं, समाज के लोग गुमराह करते हैं और चंदा करते हैं सुबह से शाम किसी को मामला को लेकर के, और उस चंदा से उनका घर चलता है। चंदा खोर लोग हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को समाज को बचने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के लोग कहीं किसी जगह पर इन लोगों को कहीं ना मान ना सम्मान नहीं दिया जाता है, तो लास्ट में ये लोग गलत वंशावली बनाकर ज़मीन को बेचने का काम कर रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।